नमस्कार, इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए भीष्म साहनी की लिखी कहानी खून का रिश्ता। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीरजी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। ये मेरा चचाजात छोटा भाई है, मंगलसेन। समधि मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा, ले आओ आधा गिलास, मंगलसेन कहता है, और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। मंगलसेन ने जीभ का चटखरा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह स्वप्नों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी, सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटांक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, कई बार कहां है, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे, वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं? चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के दो कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, दो दो रुपये की शर्त लगती है। सब बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। मां जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेंक रही थीं। मां बेटे को समझा रही थीं, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधि भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया, मां मेरी सगाई सवा रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। बस बस, आगे कुछ मत कहना, मां ने झट टोकते हुए कहा, फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसी की सुनता है, छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ, मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींच कर इसे मनवा लूंगा, बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए, बस आप अकेले जाइए और सवा रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं, मनोरमा सिर झटक कर बोली। वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी, बाबूजी बोले, केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा, वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो संबंधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीरजी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें होती रहेंगी, मां जी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे,
जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ और जब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करके कहता, आओ मंगलसेन जी, पेच कस दें। और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है, पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनीमानी भाई के घर में रहना, ऐंठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थीं। घनी भौहों के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के तीन दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेंक रही हैं नौकरों के होते हुए? आओ मंगलसेन जी, आओ, जरा देखो तो यहां कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेंप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगलसेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं, वाह वाह। बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। दो मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगे नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगलसेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। मां जी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगलसेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं देता हूं, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूं। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे, दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली, जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहें ठीक लगते हैं, पर जब उठें तो सहसा छोटे हो जाते हैं, इतनी छोटी छोटी टांगें। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, चाचा मंगलसेन संतू से आग्रह करने लगा। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगलसेन, चलो इधर आओ, उठ संतू, चटाई ले आ, सुनता नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, मां बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी, उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। मां जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी दो थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रूमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज तीन भाजियां रखी थी, चपातियां खूब गरम गरम थीं। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वह अफीमची कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा, तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। मां ने होंठ भींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपत पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैये संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा
और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब है ना, इसीलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी, मां ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढंकते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहां रहते यह हाल है, तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा। मैं चाहता हूं तू कुछ सीख जाएगा और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहां आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊंगा बाबूजी, न देगा तो जाएगा कहां, मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई, दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहां चिड़ी पड़क जाएगा तो कहना, डर किस बात का। मैंने लाम देखी है बाबूजी, बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले मैं वहां से बोतल निकाल लाया, ऐसी क्या बात है। मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था, उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने। तू जा अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतु शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहले, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीरजी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीरजी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठे। मां जी को भी बुरा लगा, धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करे, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है, मैंने उसे क्या कहा है, बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा, इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो, मैंने उसे क्या कहा है, बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूमकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है, कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं। मैंने कह दिया, पिताजी आप अकेले जाइए और 125 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीरजी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करता है। वीरजी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब हैं, इसीलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है, ये बात उसे खल रही थी। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा को, मां जी ने पूछा। चाचा मंगलसेन को। कोने में बैठे संतु ने भी हैरान होकर सिर उठाया। मां झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो, अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मर्दूत को साथ ले जाए, सारा शहर थू थू करेगा। मां जी अभी तो आप कह रही थीं खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता, चाचा जी गरीब हैं इसीलिए। मैं कब कहती हूं यह ना जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं, अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहुरूपिये को साथ ले जाएं, क्या यह अच्छा लगेगा। तो फिर बाबूजी अकेले जाएं, वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यों उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। मां और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यों तकरार होने लगे। मां का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें,
जा, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का न था। सबसे पहले मां ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल लड़के मां बाप के हजारों रुपये लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। ये तो सवा रुपये में सगाई करना चाहता है। तब मंगलसेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस मां बाप की चलती है। और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगलसेन को कह तैयार हो जाए, मां जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीरजी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगलसेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटांक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे। मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है। जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंकी को खेला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया तो मां जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। मां को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई। मनोरमा, जा भाई की आलमारी में से एक धुला पाजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगलसेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थीं। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभगत हुई कि देखते बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधि आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और। और जवाब में मंगलसेन ने कहा, हां, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सजधज थी कि मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं। हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। मंगलसेन ने छड़ी से फर्श को ठकोरा, फिर सिर हिलाकर बोला, घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है। जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों। आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें, आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर न करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया जी कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं। बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लालाजी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रूमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रूमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा,
तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा तीन कटोरियों में तीन छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 125 रुपया लेने आया था। मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगलसेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रूमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीरजी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 125 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयां भौजाई जी, घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गईं। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। मां जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थीं, मां जी से गले मिल मिलकर बधाई देने लगीं। आवाज सुनकर वीरजी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रूमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रूमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रूमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। मां जी ने थाल पर से रूमाल उठाया, चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजाकर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू, चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतु को आवाज लगाई। इतने में मांझी को याद आई, 3 कटोरियां और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाल में जो कुछ है वही दिया है, तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियां थीं और 2 चम्मच थे? नहीं तो, चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहां सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगलसेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहां है? मंगलसेन संतु को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यों खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहां है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा, मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवां आओगे? कुछ नहीं तो 5-5 रुपये का 1-1 चम्मच होगा। मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूं इसमें क्या है, हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहां कहां जाओगे बताओ, चम्मच कहां है? सारा वक्त तो थाल पर रूमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है, बज्जात, बता तीसरा चम्मच कहां है? मां जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थीं। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं,
बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीरजी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंच ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीरजी सहसा आवेश में आ गए। वीरजी ने आव देखा न ताव, मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीजें गंवा आए? सभी चुप हो गए। सकता सा छा गया। वीरजी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झेंप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने साथ है, एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियां झेंप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रूमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया, तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगीं, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपये चम्मच के ले लूंगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आ गई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से, धम्म से जमीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है, मां जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटा आओ। वीरजी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहां चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसी ने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाएगा या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीरजी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहां पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूं। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूं, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया, मां जी चम्मच मिल गया। पर मां जी संबंधियों से घिरी खड़ी थीं। मनोरमा रुक गई और मां से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर मां जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की लिखी कहानी खून का रिश्ता।